वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है वैकेंसी से रिलेटेड न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए गल्फ के लिए रिक्वायरमेंट है, फ्रेशर रिटर्नर सभी के लिए है, फ्री रिक्वायरमेंट भी आपको मिलेंगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगा, ये सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसका क्लाइंट इंटरव्यू 31 मार्च को होगा। ये फ्री रिक्वायरमेंट है KBR कंपनी के लिए। ये रिफाइनरी में मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है, अभी इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी होंगी। रोटेटिक स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, सैलरी भी मेंशन किया हुआ है, 7500 सऊदी रियाल तक रहेगा। PDM टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी रहेगा 4500 सऊदी रियाल। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है Level 2 में, इनका सैलरी 3000 से लेकर के 3500 सऊदी रियाल रहेगा। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए Level 2 में, इनका सैलरी 3500 से लेकर के 4000 सऊदी रियाल रहेगा। स्टैटिक टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है Level 2 में, इनका सैलरी रहेगा 2200 से लेकर के 2600 सऊदी रियाल। रोटेटिंग में टेक्नीशियन चाहिए Level 1 में, इनका सैलरी रहेगा 3500 से लेकर 4000 सऊदी रियाल। रोटेटिंग टेक्नीशियन चाहिए Level 2 के लिए, इनका सैलरी रहेगा 2800 से लेकर के 3000 तक। 6G टिग आर्क वेल्डर की रिक्वायरमेंट है CS, SS और AS के लिए, इनके पास डिप्लोमा और 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनका सैलरी रहेगा 3500 से लेकर के 4000 सऊदी रियाल। 6G टिग आर्क वेल्डर की रिक्वायरमेंट है Level 2 में CS, SS और AS के लिए, इनके सैलरी रहेगा 2500 से लेकर के 3000 सऊदी रियाल। स्काफ होल्डिंग एंड इंस्ट्रूमेशन के लिए फोरमैन की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी रहेगा 8000 से लेकर के 8500 सऊदी रियाल। स्काफ होल्डर चाहिए, इनका सैलरी रहेगा 2200 से लेकर के 2500 सऊदी रियाल। स्काफ होल्डर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी रहेगा 2800 सऊदी रियाल। इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 2200 से लेकर के 2500 सऊदी रियाल रहेगा। ब्लीचिंग MC ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 4500 से लेकर के 5000 सऊदी रियाल रहेगा। कैलिब्रेशन के लिए टेक्नीशियन चाहिए, इनका सैलरी 4500 से लेकर के 5000 सऊदी रियाल रहेगा। वाल्व में टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 3000 से लेकर के 3500 रहेगा। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको रिलेटेड फील्ड से क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर इंजीनियरिंग, ITI, डिप्लोमा, HSC सर्टिफिकेट है, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एक्सपीरियंस 3 साल से लेकर के 12 साल तक का होना चाहिए। आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिफाइनरी ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इनको मेल कर दे। इनका मेल ID दिया हुआ है, यह इंटरनेशनल ट्रेड लिंक ऑफिस से सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, ये रिग के लिए रिक्वायरमेंट है। रिग में कैटरिंग कंपनी के लिए ऑफशोर प्रोजेक्ट है, जिसका क्लाइंट इंटरव्यू बहुत ही जल्द मुंबई और कोचीन में होने वाला है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी होंगी। कैंप बॉस की रिक्वायरमेंट है, कुक चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए। असिस्टेंट कुक की रिक्वायरमेंट है, इंडियन कुक चाहिए, बेकरी मैन और किचन हेल्पर चाहिए, डिशवाशर, फूड सर्वर की रिक्वायरमेंट है, वेटर की रिक्वायरमेंट है, लॉन्ड्री मैन और रूम बॉय की रिक्वायरमेंट है। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको रिलेटेड फील्ड से 4 साल का कैटरिंग से एक्सपीरियंस होना चाहिए रिग का, ऑफशोर प्रोजेक्ट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर सकते हैं। ये मीना सपोर्ट सर्विस ऑफिस सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। ये वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इसका इंटरव्यू ऑफिस में होने वाला है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है, इनको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फैसिलिटी मेंटेनेंस में, और 4-व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इंडिया का या गल्फ का ओरिजिनल। गूगल मैप का भी नॉलेज होना चाहिए, व्हाट्सअप वगैरह और सोशल मीडिया का नॉलेज होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल करके अप्लाई कर सकते हैं। ये MD वाला ग्लोबल ऑफिस से सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म जॉब के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी होंगी। मैकेनिक चाहिए, इनके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिक से। एलिवेटर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इनके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए लिफ्ट टेक्नोलॉजी से, ITI होना चाहिए। इनको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है, आपका एक्सपीरियंस है गल्फ का, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर सकते हैं। ये MD वाला ग्लोबल ऑफिस से सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है, ये लग्जरी रेस्टोरेंट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है
रेस्टोरेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट मैनेजर चाहिए रिटेल के लिए असिस्टेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, बेकरी चीफ बेकरी सॉस चीफ की रिक्वायरमेंट है, ग्राफिक डिजाइनर फ्लोर सुपरवाइजर किचन सॉस चीफ की रिक्वायरमेंट है, हेड ब्रिस्टा हेड वेटर ब्रिस्टा वेटर चीफ की पार्टी रनर बेकर कॉमिस की रिक्वायरमेंट है, कॉमिस काउंटर सेल्स एसोसिएट होस्टस पेस्ट्री कॉमिस बेकरी कॉमिस और प्राइमरी कैशियर की रिक्वायरमेंट है। इन वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको रिलेटेड फील्ड से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अच्छे से आपको इंग्लिश अरबिक का नॉलेज होना चाहिए। फूड एंड बेवरेज कंपनी का एक्सपीरियंस है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है जूम पे इंटरव्यू होगा मुंबई में। अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स मेल कर दें और ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो बेहतर होगा। ये ऑनलाइन ऑफिस से यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। ये ग्रुप कंपनी है, इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है। बेकर की रिक्वायरमेंट है, इसे अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आज इसका इंटरव्यू हो रहा है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मुंबई के सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है, मशीन शॉप डिपार्टमेंट के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, बेंच फिटर की रिक्वायरमेंट है। इन्हें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन ITI और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल बेंच फिटिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ चेन्नई की सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है। वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है, फिट आउट कंपनी के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी होंगी, फिनिशिंग कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है। इनको अप्लाई करने के लिए 3 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटीरियर फिट आउट कंपनी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर सकते हैं। ये जी के मेन पावर कंसलेंट ऑफिस से यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए रिक्वायरमेंट है, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, प्यूनोमेट्रिक टायर रोलर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, PTR ऑपरेटर चाहिए, इनके पास कतर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पेवर मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है और गेजमैन चाहिए पेवर मशीन ऑपरेटर के लिए। एक्सवेटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, एक्सवेटर ऑपरेटर के पास गल्फ का कहीं का भी लाइसेंस होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको रिलेटेड फील्ड से एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर दें या इनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये अल यूसुफ इंटरप्राइजेस ऑफिस से कतर के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के लिए। इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए इलेक्ट्रीशियन के लिए, AC टेक्नीशियन एलिवेटर टेक्नीशियन मेडिकल गैस के लिए टेक्नीशियन बॉयलर टेक्नीशियन नेटवर्क एंड सेंट्रल टेक्नीशियन मैकेनिकल टेक्नीशियन फोटोकॉपी के लिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन फायर एग्जुशन के लिए इक्विपमेंट टेक्नीशियन RO स्टेशन के लिए टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, होम अप्लाइसेंस टेक्नीशियन HVAC टेक्नीशियन पंप टेक्नीशियन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए टेक्नीशियन बायोमेडिकल टेक्नीशियन एग्रीकल्चर टेक्नीशियन सिविल टेक्नीशियन वॉशिंग इक्विपमेंट के लिए टेक्नीशियन मैकेनिकल जनरेटर के लिए टेक्नीशियन केमिकल टेक्नीशियन और मेडिकल इक्विपमेंट में टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन BMS टेक्नीशियन टेलीफोन एक्सचेंज टेक्नीशियन पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन वेल्डिंग और ब्लैकस्मिथ टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इन वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा तो आप अप्लाई कर सकते हैं और रिलेटेड फील्ड से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मुंबई के एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ये सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है, ये ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, साइट सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। इनका एक्सपीरियंस है जो है सिविल में मैकेनिकल MAP का होना चाहिए 5 साल का। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से तो अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इनके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिस्ट्री से और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का। मैकेनिकल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इनके पास मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इनके पास इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से जनरेटर पंप कंप्रेसर और हैवी इक्विपमेंट का। पाइप फिटर की रिक्वायरमेंट है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का तो अप्लाई कर सकते हैं। हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, इनके पास भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कुवैत का लाइसेंस होना चाहिए। लाइट व्हीकल पिकअप ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए
ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से कुवैत के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स मेल करके अप्लाई कर सकते हैं। ये मीना सपोर्ट सर्विस ऑफिस से कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट है, ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, स्काफ होल्डर रिगर इंस्ट्रूमेंट फिटर की रिक्वायरमेंट है। इनको अप्लाई करने के लिए आपको ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसका आज क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है 24 मार्च को। आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ये सिंकलेस मार्केटिंग ऑफिस से बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए रिक्वायरमेंट है, ये मैरीटाइम लॉजिस्टिक कंपनी के लिए कार्गो टर्मिनल ऑपरेशन है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, क्रेन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, 120 टन का क्रेन। इन्हें अप्लाई करने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेन ऑपरेटिंग में और कतर का लाइसेंस होना चाहिए। बूम ट्रक ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, इनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कतर का बूम ट्रक का लाइसेंस होना चाहिए। क्रेन ऑपरेटर चाहिए 250 टन के लिए, इनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेन ऑपरेटिंग में और कतर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, इनको पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फोर्कलिफ्ट का कतर का लाइसेंस होना चाहिए। ट्रेलर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड ट्रेलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। रिगर और बैक्समैन की रिक्वायरमेंट है, इनका रिगिंग में सिंगिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है, आपका जॉब है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मुंबई, चेन्नई, कोची, दिल्ली, हैदराबाद, जो भी आपका नियरेस्ट ऑफिस है, स्टेट है, वहाँ पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये जेरी वर्गीस ऑफिस से कतर के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, ये बड़ी ग्रुप कंपनी है। इसका इंटरव्यू जूम पे बहुत ही जल्द होने वाला है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, बेकर की रिक्वायरमेंट है। इनको बेकर में कम से कम 4 स्टार या 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस है और इंग्लिश अरबिक का अच्छा सा नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका वीजा रेडी है, बहुत ही जल्द फ्लाइट होगा। अगर अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर सकते हैं और कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करें। ये अल हुदैब HR कंसल्टेंसी ऑफिस से सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, ये लीडिंग कंपनी के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, फील्ड सर्विस टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इनका एक्सपीरियंस जो है स्क्रू एयर कंप्रेसर, एयर ड्रायर, ऑयल फ्री कंप्रेसर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मेल कर सकते हैं। ये नासिर ओवरसीज कंसुलेंट ऑफिस से सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी जॉर्डन के लिए रिक्वायरमेंट है, ये फ्री रिक्वायरमेंट है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, क्लाइंट इंटरव्यू 26 और 29 मार्च को होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी होंगी प्रेसमैन, लाइन QC, लाइन सुपरवाइजर और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। इन वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए आपको गारमेंट इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू के दिन आप ऑफिस विजिट करें। ये ट्रेडमैन गारमेंट ऑफिस से जॉर्डन के लिए बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसका क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई में आज 24 मार्च को हो रहा है। ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है बेकर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको पेस्ट्री केक बनाने का एक्सपीरियंस है कम से कम 4 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं और बेसिक आपको इंग्लिश का नॉलेज भी होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिस विजिट करें। इसका इंटरव्यू चल रहा है, ये MQLA ग्लोबल ऑफिस से सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है अकाउंटेंट, ड्राफ्टमैन, कंक्रीट फोरमैन और स्टील फिक्सर, कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। ये मीना सपोर्ट सर्विस ऑफिस से कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है, ये यूनाइटेड अरब इमीरात में शॉर्ट टर्म जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। 6 मंथ का शॉर्ट टर्म जॉब है। ये कोरियन कंपनी है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है ब्लास्टर और पेंटर की रिक्वायरमेंट है। इनको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आपको ADNOC अप्रूव्ड मैंडेटरी होना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मुंबई के एशिया पावर ओवरसीज ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ये यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है।
नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए रिक्वायरमेंट है, ये फ्री रिक्वायरमेंट है। स्टेडियम के लिए वर्ल्ड कप चल रहा है 22 फीफा वर्ल्ड कप, इसके लिए रिक्वायरमेंट हो रहा है ये वर्ल्ड कप में स्टेडियम के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है। मैकेनिकल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल टेक्नीशियन में, जैसे बोरवेल पंप और टैंक डोमेस्टिक जो होते हैं उसके में पंप हीटर क्लोरोफाइट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ दिल्ली के सुमन मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये कतर के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए रिक्वायरमेंट है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इसका इंटरव्यू आज 24 और 25 मार्च हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन चाहिए हेवी ड्यूटी के लिए। इनका एक्सपीरियंस जो है मेंटेनेंस में हेवी ड्यूटी इक्विपमेंट का, जैसे क्रेन, ईओटी क्रेन, मोबाइल क्रेन और हाइड्रोलिक इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस है ट्रबल शूटिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए गल्फ का अप्लाई करने, और आपके पास क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी है डिप्लोमा या आईटीआई ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ये यूटिलिटी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इनका इंस्टॉलेशन रिपेयरिंग मेंटेनेंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ, क्वालिफिकेशन आईटीआई होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो इसका इंटरव्यू आज चल रहा है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मुंबई, कोलकाता, बड़ोदरा, वैजाग, चेन्नई, कोची, जो भी आपका नियरेस्ट स्टेट है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ये सीगुल इंटरनेशनल ऑफिस है, कतर के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के लिए। इसका इंटरव्यू आज 24 और 25 मार्च को हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, सुपरवाइजर चाहिए स्कैफोल्डिंग के लिए। फोरमैन की रिक्वायरमेंट है स्कैफोल्डिंग के लिए, स्कैफोल्डर्स की रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी इंजीनियर चाहिए, इनके पास निम्बोस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर की भी रिक्वायरमेंट है, इनके पास भी निम्बोस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको इक्विट का एक्सपीरियंस है इक्विट कंपनी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ इक्विट कंपनी वाले को ही ले रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, आपने इक्विट कंपनी में काम किया हुआ है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मुंबई, कोच्चि, बैजाग, चेन्नई, जो भी आपका नियरेस्ट स्टेट है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये सीगुल इंटरनेशनल ऑफिस से कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है ये। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी ऑफिस बॉय की रिक्वायरमेंट है। इनका एक्सपीरियंस जो है सऊदी अरब का एक्सपीरियंस है, ऑफिस बॉय में पहले काम किए हैं सऊदी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मुंबई के एसमैक्स ऑफिस में विजिट करें, ये सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 31 मार्च को हो रहा है। ये फ्री रिक्वायरमेंट है केवीआर कंपनी के लिए मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, क्यूए क्यूसी हेड की रिक्वायरमेंट है। इनका सैलरी भी मेंशन किया हुआ है, 18,000 से लेकर के 20,000 सऊदी रियाल रहेगा। कमर्शियल हेड की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 15,000 से लेकर 16,000 रहेगा। एरिया सुपरिटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 13,000 से 15,000 सऊदी रियाल रहेगा। क्यूए क्यूसी इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 12,000 सऊदी रियाल तक रहेगा। क्यूए क्यूसी इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 12,000 सऊदी रियाल तक रहेगा। क्यूए क्यूसी स्टैटिक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 1200 सऊदी रियाल रहेगा। क्यूए क्यूसी रोटेटिक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 12,000 सऊदी रियाल रहेगा। इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर चाहिए, इनका सैलरी 6,000 सऊदी रियाल तक रहेगा। स्टैटिक सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 4,000 से 4,500 सऊदी रियाल रहेगा। मैकेनिकल में रोटेटिक सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 7,000 सऊदी रियाल रहेगा। फैब्रिकेशन सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, इनका 3,500 से लेकर के 4,000 सऊदी रियाल रहेगा। नाइट शिफ्ट के लिए सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 5,500 से लेकर 6,000 सऊदी रियाल रहेगा। इसका स्कैफोल्डिंग एंड इंसुलेशन सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 6,500 से लेकर के 7,000 सऊदी रियाल रहेगा। इसका स्कैफोल्डिंग इंसुलेटर के लिए इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 7,500 सऊदी रियाल रहेगा। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 6,000 तक सऊदी रियाल रहेगा। वर्कशॉप के लिए फोरमैन चाहिए, इनका सैलरी 7,000 सऊदी रियाल तक रहेगा। मैकेनिकल में फोरमैन की रिक्वायरमेंट है, स्टैटिक के लिए इनका सैलरी 8,000 सऊदी रियाल रहेगा। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको रिलेटेड फील्ड से क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम आपको 5 से लेकर के 10 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको रिलेटेड फील्ड से रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स मेल करके अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। और क्लाइंट इंटरव्यू के दिन आपको ऑफिस विजिट करना होगा, ये इंटरनेशनल ट्रेड लिंक ऑफिस है सऊदी अरब के लिए, फ्री रिक्वायरमेंट है। दोस्तों इनमें बहुत सारी बहुत अच्छे कंपनियों के लिए रिक्वायरमेंट है, इनमें आपका जॉब है तो आप डायरेक्ट ऑफिस विजिट करके अप्लाई करें। और वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू।